चलिए आज जिस टॉपिक की बात करेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाना है। कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। ये कैसे किसी कैरेक्टर का आस्थी कोड हम कैलकुलेट करते हैं, बड़ी आस्थी कोड, ये सारे फंक्शन हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। व्हाट इज कैरेक्टर? सिंपल डेफिनेशन क्या कहता है, एनी अल्फाबेट सिंबल और डिजिट दैट इज इंक्लूड इन सिंगल कोट्स नोन एज डिविजन क्या कहता है कि आपको कोई अल्फाबेट दिया जाए या कोई सिंबल दिया जाए या आपको कोई डिजिट दिया जाए, सबसे अच्छी बात सब आपके लिए होते हैं। अल्फाबेट मतलब कोई लेटर, इंग्लिश का चाहे कैपिटल लेटर ले लीजिए चाहे स्मॉल लेटर, अल्फाबेट में दोनों आते हैं, आपके कैपिटल लेटर भी आते हैं स्मॉल लेटर भी। पहली बार कैरेक्टर हमें साथ देखा सिंगल, तो अल्फाबेट फिर सिंगल होगा, सिंबल सिंबल मतलब कोई नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल नहीं है, केवल कोई एक सिंबल चाहे हैश हो चाहे सेमी कॉलन हो चाहे कॉमा हो, सारे सारे आपके सिंबल। या कोई डिजिट, डिजिट का मतलब 0 से लेकर 9 तक, जो कीबोर्ड पे डिजिट अवेलेबल है वो हमारे 0 से लेकर 9 तक है। ओके, तो डिजिट है। और अच्छी बात क्या है कि ये तीनों अकेले ही, तो वही चीज है कि पहली चीज इन तीनों में से कोई चीज हो सकती है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इन तीनों में से कुछ भी हो और वो किसके अंदर लिखा गया हो, सिंगल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर जब लिखा जाता है तो वही क्या बन जाता है आपका कैरेक्टर। अगर आपको फॉर एग्जांपल सकता है ये क्या, तो ये अभी कैरेक्टर नहीं, ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट है, क्या कह सकते हैं कैपिटल लेटर, ये हमारा अल्फाबेट है। ओके, लेकिन जब इसको किसके अंदर लिख दिया जाए, सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया गया, जैसे ये सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया गया, अब ये अल्फाबेट नहीं है, ये अब हमारा कैरेक्टर, दिस इज योर कैरेक्टर। ओके, अगर हमने कहा ये क्या है, ये भी क्या है मेरा कैरेक्टर है, क्योंकि सिंगल कोट्स के साइड है उसका मतलब ये कैरेक्टर हो गया। लेकिन अगर आप बोलते हैं वन, तो वन मेरा क्या है डिजिट, ये कब कैरेक्टर होगा, जो सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, ऐसे ही कोई सिंबल दे दीजिए सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिए, कामा ले लिया कामा को सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, सारे के सारे क्या है। ओके, हमने कहा मैं सिंगल कोट्स के अंदर कुछ नहीं लिख रहा, केवल स्पेस प्रेस कर, स्पेस तो दिखता नहीं है। ओके, तो सिंगल कोट्स स्पेस बार आपने क्लिक किया और देन सिंगल कोट्स, तो कुछ दिखेगा नहीं, ये यहाँ पर क्या है स्पेस है, ये भी मेरा एक है। ओके, तो कोई भी अल्फाबेट हो कोई भी सिंबल क्या करे स्पेस, सिंबल सिंबल अगर स्पेस की बात कर ये भी किसका अंदर आ रहा है आपके सिंबल में, तो सब के सब आपके कैरेक्टर होंगे, बस कंडीशन क्या होना चाहिए वो सिंगल कोट्स के अंदर, ये चीज। तो कैरेक्टर के डिफरेंस सिंपल क्या हो गया, अल्फाबेट सिंबल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू सिंगल कोट्स इज नोन एज अ कैरेक्टर। ओके, अब एक बात और, हमने कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो केवल बाइनरी नंबर समझता है, मतलब अगर हमने कहा कि वो 15 को कैसे समझ रहा होगा, तो सबसे पहले 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, 1010 में कन्वर्ट करता हूं, और देन सिस्टम ये समझ पाता है कि आपने जो चीज दिया है कि जो 15 है, ये जो आपने प्रोवाइड किया उसे वो 15 है, उसकी वैल्यू 15 है, फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है। अब एक चीज और, बाइनरी कन्वर्ट केवल नंबर वाइज हो सकता है, मतलब अगर हमने कहा कि क्या 40 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, क्योंकि नंबर कन्वर्जन एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट आप कर सकते हैं।
तो किसी भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर सिस्टम बाइनरी समझता है, अगर मैं अपने नाम टाइप करता हूं पी आई टी ए, तो सिस्टम इसे कैसे समझेगा, क्योंकि इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। जाहिर सी बात है विवेक को डायरेक्ट समझ नहीं सकता जब तक वो बाइनरी में कन्वर्ट ना करे। तो किस विवेक को मतलब बी को आई को डी को ई को ए को सबको बाइनरी में कन्वर्ट करता होगा, लेकिन कन्वर्जन इसका कर ही नहीं सकता, ये नंबर तो है नहीं, ये अलग है। कन्वर्जन केवल किसका हो सकता है, नंबर हो सकता है। इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन अल्फाबेट को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए, तो इसने क्या आप क्या जिसने ये जो भी आपके सिंबल या कीबोर्ड में जितने भी चीजें बनाई है वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड से किया हुआ था ताकि वो कैसे सिस्टम को समझा सके। ओके, उसने क्या किया, जितने कीबोर्ड पे अल्फाबेट होते हैं जितने सिंबल होते हैं जितने डिजिट होते हैं सबको एक पर्टिकुलर नंबर दे, एक नंबर असाइन कर दिया और वो नंबर फिक्स कर दिया। जैसे हमने कहा कि अगर हम सिस्टम में ए प्रेस करें, सिस्टम में ए प्रेस करें तो उस कीबोर्ड पे आपने प्रेस किया ए, लेकिन सिस्टम को इस ए से कोई मतलब नहीं, इस ए के कोरिस्पोंडिंग कोई ना कोई एक नंबर दिया होगा। ओके, और कितना नंबर दिया है, 65। मान लो ए का कितना है 65, मतलब उसने कहा कि मैं ए को 65 दे दिया हूं, बी को 66 दे दिया हूं, सी को 67 एंड सो ऑन। ओके, उसने क्या कहा कि मैं स्पेस को 30 दे दिया हूं, एंटर को 31 दे दिया हूं, सेमी कॉलन को 45 दे दिया हूं, मतलब हर सिंबल को कोई कोई एक नंबर दे दिया। ओके, अब आप जब ए प्रेस करते हैं तो सिस्टम ए न समझ के क्या समझता है, 65। और इस 65 को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, वो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, और ये नंबर क्या है, नंबर क्या है कि जितने कीबोर्ड पे अल्फाबेट सिंबल्स या डिजिट्स हैं उनको एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड किया गया ताकि सारे चीज को बाइनरी में कन्वर्ट कर सके हम। और उस नंबर को कहा गया ASCII, जिसे कहेंगे ASCII कोड, ASCII। ये फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब कोई पूछे व्हाट इज ASCII कोड, तो एक ऐसा पर्टिकुलर कोड या एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर जो कीबोर्ड पे जितने अल्फाबेट सिंबल और डिजिट है उनको ऑलरेडी दिए गए हैं, किस लिए, ताकि उन सारे सिंबल्स को अल्फाबेट्स को डिजिट को आसानी से किस में कन्वर्ट किया जा सके, बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए दिया। तो ये चीज, तो आप एक और चीज जानते हैं क्या कि हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसका एक ASCII कोड, हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ASCII। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ ASCII कोड आपको पता होना चाहिए, सबका आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे होता कहाँ से कहाँ तक है, होता 0 से 255 का, 0 पे कुछ होता होगा कोई कैरेक्टर या कोई सिंबल या कोई अल्फाबेट, 1 पे कुछ होता होगा, 2 पे भी, मैक्सिमम कहाँ तक है 255, मतलब टोटल 256 कैरेक्टर ASCII कोड दिया है, टोटल 256 कैरेक्टर्स हैं जिनको ASCII कोड हमने प्रोवाइड किया। अब जब नए नए आते जाएंगे, जैसे अभी बीच में एक रुपये का सिंबल आया है, इसको
256 दिया। तो जैसे जैसे सिंबल बढ़ते जाएंगे कीबोर्ड पे आपका ASCII कोड का लिस्ट क्या बन जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और कोड होता है कीबोर्ड पे जो चलता है यूनिक कोड, तो ये ऐसे सी डबल आई कोड भी हो सकता है जो हमारा सी समझता है, जो सी लैंग्वेज वो ASCII कोड समझता है, कुछ और भी लैंग्वेज है जो यूनिक कोड समझते हैं आपके। ठीक है, हम अभी ASCII कोड की बात कर रहे हैं, तो आपको 256 के याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ आपको पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर का कितना होता है और मेनली क्या क्या है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और डिजिट, ये पता होना चाहिए। चलिए कैपिटल लेटर सीधा लिख रहे हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड इसका होता है 65 to 90। कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी 66, 67 कहां तक जाएगा, टोटल 90। स्मॉल ए, स्मॉल जे 97 to 100, अब बीच में जो गैप है उसको कुछ और होता है सिंबल या कुछ कोई भी चीज हो सकता है। ठीक है, ये नंबर 0 to 48, 1 to 49, 2 to 52, 49 to 57, ये मैंने आपके आस्क ये कैरेक्टर्स हैं, ओके, और उसका करेस्पॉन्डिंग ASCII और भी होते हैं, लेकिन आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो आप प्रोग्राम बना के किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड निकाल सकते हैं। एक प्रोग्राम छोटा सा है, अगर आप प्रोग्राम को बना लें तो आप किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड, जैसे आपको पता करना है कैरेक्टर का कितना होता है, ओके, प्रोग्राम लिखिए कैरेक्टर किस करिएगा वो एड करके बताने का ASCII कोड, ओके, स्पेस स्पेस दबाइएगा, एंटर प्रेस करिएगा, उसको आपको बता देगा कि हाँ स्पेस का ASCII कोड, जिसका भी जानना होगा आप जान सकते हैं प्रोग्राम। लेकिन ये आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा कैरेक्टर का कितना होता है, स्मॉल का कितना होता है, डिजिट का। आगे बढ़ते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर को अगर स्टोर करना है तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें, डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल, वेरिएबल जो भी नाम लेना है। क्या कहता है, अगर आपको कोई वेरिएबल लेना है उसका डेटा टाइप कैरेक्टर हो तो कैसे करते हैं उसे, कैर और वेरिएबल का नाम होता है कैर ए कैर बी। हाँ, एक चीज बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी इसका, क्या कंफ्यूजन होगा, आप सोचेंगे यहाँ जो कैरेक्टर दिया गया आपको ए है और यहाँ जो कैरेक्टर दिया गया उसका नाम बी है, मतलब ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी दो कैरेक्टर आपके लिए, ये कंफ्यूजन मत होइएगा, ये कैरेक्टर नहीं है ये वेरिएबल है। ये क्या कहेगा कि हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसका नाम ए होगा, इसके अंदर आप कैरेक्टर रख सकते हैं, अब इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं रखा गया, ये सिर्फ एक बॉक्स है जिसके अंदर आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, तो ये नेम ऑफ द वेरिएबल, ये मत सोचिएगा ए नाम का आपने कैरेक्टर दिया, आपने ए नाम का एक वेरिएबल दिया है जिसके अंदर आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे आपने बी नाम का एक वेरिएबल दिया है जिसके अंदर आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, अभी क्या इसके अंदर कोई कैरेक्टर है, तो कोई कैरेक्टर नहीं, लेकिन एक चीज और दिक्कत है, अगर आप इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं स्टोर करेंगे तो ऐसा नहीं कि ब्लैंक रहेगा, इसके अंदर थोड़ी से बॉय फॉर कोई ना कोई लार्जेस्ट कैरेक्टर जा चुका होगा,
ये हमने पहले बताया था कि किसी मेमोरी स्पेस में अगर आप वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं तो ब्लैंक नहीं रहता, उसके अंदर खुद से सिस्टम कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई कैरेक्टर स्टोर होगा, लेकिन अभी आप जानते चलिए उसके अंदर कैपिटल ए नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि स्मॉल ए इस नाम का कोई कैरेक्टर गया हो, तो सिर्फ ये मेमोरी ब्लॉक बनाया जिसके अंदर आप कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। तो कैसे हम कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, क्या नेम ऑफ द वैल्यू। अब बात कर रहे हैं हम इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो उसे क्या कहा जाता था, स्टोरिंग द वैल्यू या असाइनिंग द वैल्यू इन एनी वेरिएबल इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। और ये कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। पहला बताता हूं कंपाइल टाइम, अब दूसरा है आपका रन। दो तरीके से करते हैं, पहला था आपका कंपाइल टाइम और दूसरा होता है आपका रन। कंपाइल टाइम का मतलब जहां आप वेरिएबल डिक्लेअर करना है उसी समय उसकी वैल्यू, जब आप वैल्यूएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी। ओके, यहाँ क्या होगा, मेमोरी स्पेस बनेगा ए, वैल्यू में यार कैपिटल है लेकिन ये मेमोरी कहीं भी कहीं बना होगा, ये मेमोरी में इसके पास एक चीज और होगा, फाइनल नंबर होगा चुके हैं यानी जो एड्रेस, उसके पास एक एड्रेस भी होगा। ओके, तो ये हो गया आपका एक वेरिएबल मेमोरी में बना हुआ, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है दैट इज कैपिटल है और इस वेरिएबल का एड्रेस कितना होगा दैट इज 100। ये मैंने अज्यूम किया कि 100 है। ओके, ये जो होगा कंपाइल टाइम मतलब जब वेरिएबल में जो चीज हम उसको वैल्यू दे देंगे। दूसरा होगा आपका रन टाइम, रन टाइम का मतलब जब प्रोग्राम को आप रन कराएंगे उस समय इसकी वैल्यू बताएंगे। ओके, तो यहां आप केवल वेरिएबल ले लीजिए, क्या है वेरिएबल लीजिए। यहाँ पे वैल्यू मत दीजिए, आप चाहते हैं रन कराने के बाद क्या जा रहा है, क्या इस्तेमाल होता था रन टाइम पे, स्कैनर। स्कैनर क्या रीड कर रहा है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या रीड कर रहा है, नॉट परसेंटेज बी, नॉट परसेंटेज है रेडिबल परसेंटेज। परसेंटेज सी का मतलब वो समझ जाएगा कि मुझे जो चीज रीड करनी है वो क्या रीड करनी है, कैरेक्टर, और उसको कहां लेकर के स्टोर करना है, किस वेरिएबल के एड्रेस पे। स्कैनर परसेंटेज सी एंड ए का मतलब हुआ कि हम कैरेक्टर रीड करेंगे उसको इस वेरिएबल के एड्रेस पे ले जाके स्टोर करेंगे। ओके, अब कैरेक्टर प्रिंट भी कराना है तो वैसे ही करेंगे, प्रिंट है परसेंटेज सी बोले क्या कर रहा है कि मैं कैरेक्टर प्रिंट करा रहा हूं तो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, इस वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर का से। एक चीज और, अगर आप स्कैनर और प्रिंटर नहीं यूज करना चाहते हैं, कैरेक्टर के केस में एक और सुविधा दी गई है कि अगर आप स्कैनर और प्रिंटर यूज नहीं करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ कैरेक्टर के केस में, तो हम दो और फंक्शन बना के गए हैं, मतलब यही स्विचिंग है, दो फंक्शन और बनाया है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है, स्कैनर की जगह आप एक और फंक्शन है दैट इज योर गेट कैर, गेट कैर। देखिए नाम क्या है, गेट कैर मींस रीड द कैरेक्टर, गेट मतलब पाना, कैर का मतलब कैर, कैरेक्टर को पाइए मतलब रीड कर। ओके, और रीड करने के बाद इसमें स्टोर कर दीजिए ए बी, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा, इसमें आपको कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जरूरत नहीं। ओके, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ है और ये
विदाउट फॉर्मेटिव प्रेस। लेकिन इस स्कैनर का इस्तेमाल आप कुछ भी कर सकते हैं, कंटीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोट के लिए भी और कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन गेट कैर का इस्तेमाल केवल और केवल कैरेक्टर रीड करने के लिए करें। लेकिन नाम ही है गेट कैर, ओनली रीड द कैरेक्टर, केवल कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। ओके, और प्रिंटर की तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, this print the character which is stored inside this variable. Print the character that is stored in this variable. तो दो फंक्शन और है। अगर आप स्कैनर और प्रिंटर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गेट कैर और कैर इस्तेमाल। ओके, लगे आप एक और चीज जान लीजिए, स्कैनर और प्रिंटर को कहा जाता है फॉर्मेटिव। और इन दोनों को क्या कहा जाता है? अनफॉर्मेटिव। देखिए स्कैनर और प्रिंटर क्या है? हमारे फॉर्मेटिव फंक्शन। फॉर्मेटिव फंक्शन मतलब जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है, उसे ही कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर या कंट्रोल स्ट्रिंग। तो जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है उसे बोलते हैं फॉर्मेट फॉर्मेटिव। और जिसमें नहीं लगाना पड़ता है उसे बोलते हैं अनफॉर्मेटिव। ये चीज तो ये भी चीज जान लीजिए इसी में कि दो तरह के फंक्शन कैटेगराइज किए गए। फंक्शन को दो कैटेगरी में, पहला फॉर्मेटिव फंक्शन, दूसरा अनफॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मतलब वो सारे फंक्शन जिसमें आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। Without formatting specifier, they can't work. उसे कहते हैं formatting function, and जिसमें आपको formatting specifier की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे कहते हैं unformatted. Okay? लेकिन ऐसा कोई rule नहीं है कि आप scanner से नहीं कर सकते, get कैर से कर सकते हैं। Okay? आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। Scan से read करके आप कैर कर सकते हैं। ये नहीं कि scanner किया तो print नहीं कर। ऐसा कोई rule नहीं है। आप scan करिए तो कैर कर। आप ऐसा नहीं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन ही आपको कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर, आप किन्हीं दो को चूज कर सकते हैं। या तो स्कैन कर रहा है तो प्रिंट कराइए, अगर प्रिंट नहीं कराना चाहते तो स्कैन कर रहा है स्कैनर लेने पर बुक कैर करा दीजिए। ये आप प्रिंटर कराना चाहते हैं लेकिन रीड से करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, गेट कैर करिए और प्रिंट करा दीजिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि दो का सेट है और एक सेट आपको चूज कर, दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर, कैसे हम कैरेक्टर को इनिशियलाइज। अब चलिए और यहां लाइन का कैरेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल है, हुआ क्या? ये नाम का इंग्लिश में बनाओ, इसके अंदर क्या कह रहा होगा और यहाँ क्या होगा मान बाइटिंग सीखना है, ये इसका इस्तेमाल। लेकिन हमने पहले ही बताया कि हर कैरेक्टर के साथ एक नंबर जरूर एसोसिएट है, हर कैरेक्टर के साथ एक इंटीजर वैल्यू जरूर स्टोर होगी, उसके साथ एक इंटीजर वैल्यू उसके साथ अटैच जरूर होगी और उस इंटीजर वैल्यू को क्या कहा जाता था? आस्की कोड। अगर हमने कहा या ए के साथ कौन सा आस्की कोड अटैच होगा तो दैट इज 65, जो कैपिटल का कितना होता है 65। ओके, अब एक चीज देखते हैं, हमने कहा कुछ चीजें क्लियर करा के देखते हैं। प्रिंट है और सेक्टर सी का ए प्रिंट है और सेक्टर बी का नेगेटिव प्रिंट है और सेक्टर बी ये तीन चीज मैंने पहला क्या कह रहा है कि क्या प्रिंट कराना है कैरेक्टर। तो प्रिंटर में अच्छी बात है यही बताता है क्या प्रिंट, तो ये कह रहा है कैरेक्टर प्रिंट कराना है, मुझे कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो कहां से लूंगा मैं? ए के अंदर से लूंगा।
तो जाएगा ए के अंदर, देखिए कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल ए, मतलब यहाँ क्या लिख जाएगा कैपिटल ए, ठीक है। ओके दूसरी लाइन, अब ये चीज समझ में आ रही है, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैरेक्टर ये है, अगर कैरेक्टर ये है यहाँ पॉजिटिव डी को परसेंटेज से लिखना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखें जो आप प्रिंट करा रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा है, वो इंटीजर आ रहा है कि कैरेक्टर आ रहा है कि फ्लोट आ रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप जो चीज प्रिंट करा रहे हैं उसको जरूर देखिएगा। ये देखो ये क्या है, ये बताता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन ये इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है, जो यहाँ पे आंसर आता है वो डिसाइड। अगर यहाँ पे आंसर कैरेक्टर आ रहा है तो आपको परसेंटेज सी लिखना, यहाँ पे आंसर अगर फ्लोट आ रहा है तो आप परसेंटेज एफ, यहाँ पे आंसर अगर कैरेक्टर आ रहा है इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर लिख, ये चीज। तो ये आंसर देखिए क्या रहा उसके हिसाब से हमने परसेंटेज डी क्यों लिखा, तो ये लिखा एट ए, एंड ए का मतलब एड्रेस ऑफ ए, मतलब एक एड्रेस, एक एड्रेस आया होगा 100 और 100 क्या आ गया इंटीजर, इसीलिए मैंने एड्रेस वैसे भी इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर प्रिंट कराना है मुझे, इसीलिए हमने लिखा परसेंटेज डी, और इसका आंसर क्या आ गया। ठीक है, अब एक चीज और पूछ हो गया कि आपने कहा कि जो यहाँ पे आंसर आ रहा है फिर वही चीज है, अगर हमने कहा ए है, ए तो कैरेक्टर है, ये तो कैरेक्टर है, जिसका मतलब ये कैरेक्टर है, यहाँ परसेंटेज सी होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने परसेंटेज डी लिख दिया, ये गलत है। लेकिन कैरेक्टर के साथ अच्छी बात क्या है कि कैरेक्टर लगातार मैं दोनों इस्तेमाल कर सकता हूँ, परसेंटेज सी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, परसेंटेज डी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बस आउटपुट थोड़ा अलग है। कैसे कि हम जब परसेंटेज सी करेंगे तब तो आप कैरेक्टर दिखाइएगा, जब हम परसेंटेज डी करेंगे तो ये मत कहिएगा कि गलत, तो मैं इस ए के पास जाऊंगा देखूंगा क्या यहाँ पे कोई इंटीजर भी है क्या इसके साथ, तो याद रखिए हर कैरेक्टर के साथ एक चीज छुपा होता है, इंटीजर आस्पिक है। तो अगर आपने किसी कैरेक्टर के करेस्पॉन्डिंग परसेंटेज भी लिखा है तो वो उस कैरेक्टर को मैं दिखा रहा हूँ, उसका आस्पिक कोड दिखा रहा है, ये चीज। तो जब भी आप कैरेक्टर लेते हैं और परसेंटेज सी की जगह परसेंटेज डी कर देते हैं, कैरेक्टर के करेस्पॉन्डिंग उसका आस्पिक कोड दिखता है, इसका मतलब हर कैरेक्टर के साथ इंटीजर होता है और हर इंटीजर के लिए एक कैरेक्टर भी होता है। उसका मतलब समझिए, हर कैरेक्टर के साथ एक इंटीजर होता है और हर इंटीजर के साथ एक कैरेक्टर, दोनों चीज चले दोनों डायरेक्शन में एरो लगाया, कैरेक्टर के एक करेस्पॉन्डिंग इंटीजर होगा और वो इंटीजर क्या होगा आस्पिक कोड, और हर इंटीजर के करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हम पुट कर लेते हैं इंट के बराबर 67, इंट ए बराबर 67, ये बना 67, मान लीजिए 500 एड्रेस पे स्टैंडर्ड कितना है 500, मैं प्रिंट करा इंटर परसेंटेज बी का मान लीजिए, प्रिंट करा ना इंटर परसेंटेज सी का, तो जी प्रिंट करा एक में परसेंटेज डी लिखा हूँ, एक में परसेंटेज सी लिखा हूँ। देखो ये ए जो इंटीजर जिसका मतलब केवल परसेंटेज डी लिखना चाहिए, मैंने परसेंटेज सी भी लिख दिया, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये गलत नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंटीजर के करेस्पॉन्डिंग उसका कैरेक्टर भी होता है, तो हमने कहा ए में 67 है, चलो ए में 67 है, ओके, तो प्रिंट है इंटीजर, इंटीजर प्रिंट कराइए, दैट इज 67, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि जब आप परसेंटेज सी कर देंगे इसका मतलब आप वो इंटीजर में प्रिंट करें, इस इंटीजर के करेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा 67 होता है कैपिटल सी का, इसका मतलब इसमें आंसर आएगा कैपिटल सी, ये चीज है। तो
आप इंटीजर लेके परसेंटेज सी करेंगे तो कैरेक्टर दिखेगा, कैरेक्टर लेके परसेंटेज डी करेंगे तो क्लास दिखेगा। तो सिर्फ ये चीज बदल देने से दोनों चीज, जैसे डी लिखा परसेंटेज सी लिखा कैरेक्टर, परसेंटेज डी लिखा क्लास। इंटीजर लिए हो परसेंटेज डी लिखे तब इंटीजर वैल्यू आएगी, लेकिन इंटीजर लेके परसेंटेज सी लिए इंटीजर के करेस्पॉन्डिंग उसका कैरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट है, ये है आपका कैरेक्टर, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब सिर्फ अभी आज की कोड और उसका कॉन्सेप्ट। चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे किसी कैरेक्टर का आस्की कोड कैलकुलेट। ASCII कोड सबसे पहला हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं, कैरेक्टर एक वेरिएबल लिया, एक मैसेज देते हैं अच्छा लगेगा कैरेक्टर हम स्कैनर और उसका इस्तेमाल करने हम प्रिंट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर परसेंटेज सी मतलब आपने जो कैरेक्टर रीड किया होगा, देखो सबसे पहले वैल्यू आपको यहाँ से एक बॉक्स बना होगा, एक मेमोरी बॉक्स बना होगा जिसके अंदर आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ये मैसेज आया होगा और देन आप जो कैरेक्टर वहां पे रीड करेंगे। एक बात और रीड करते समय ध्यान रखिएगा, जैसे ये रन कराएंगे तो यहाँ लिखा होगा इंटर एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर स्लैश एंटर जैसे लिखा आ जाएगा, तो जब रीड करने का टाइम है साहब ये गेम ले लिया हैश तो अन सिंगल कोट लगा के रीड मत करिए, केवल आप हैश लिखिए, सिंगल कोट जब स्टोर करेगा तो खुद से लगा दे, तो रन कराते समय सिंगल कोट्स देके आप वैल्यू मत दीजिएगा वरना सिंगल कोट्स को ही निकालेगा उसका आज भी कोड दिखाएगा। तो सिर्फ आप हैश लिखिएगा अंदर एंटर के यहां पर उसको आपको आज भी कोड दिखेगा ये चीज। लेकिन आपने प्रिंट कराए नहीं ना, आपने केवल रीड किया मतलब आप यहां तक पहुंचे, अब एंटर प्रेस करके क्या करना चाहिए आस्की कोड जो प्रिंट करा देते हैं प्रिंट है। हां अगर हम परसेंटेज सी लिख देंगे तो क्या दिखेगा कैरेक्टर दिखेगा, हमें कैरेक्टर के इंटीजर चाहिए और किसका ए मतलब ये क्या है कैरेक्टर बन गया। ये आकर आप इसे रन कराइए, रन कराने के बाद जिस कैरेक्टर का आप देखना चाहते हैं जैसे स्पेस का देखना हो तो आप स्पेस स्पेस बटन प्रेस करिएगा और एंटर प्रेस करिएगा स्पेस का बटन, सिर्फ एंटर का देखना है तो डायरेक्ट ये मैसेज आएगा कि आप एंटर ही प्रेस कर दें, बिना कुछ लिखे एंटर प्रेस कर देना एंटर। तो जिसका आपको आज की कोड देखना हो ये आप ये प्रोग्राम है, आप वेरिएबल एक जगह कोई वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल लीजिए वैल्यू रीड करके बाद इसमें कैरेक्टर डालिए और उस कैरेक्टर का आज की कोड यहाँ पे ये चीज। आप एक और क्या हो सकता है आपको कोई मैं इंटीजर दे रहा हूं उसी इंटीजर के करेस्पॉन्डिंग आपको कैरेक्टर प्रिंट, इसका उल्टा भी हो सकता है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू गिवन इंटीजर, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग ये क्या होता है कहां पे चेंज करना होगा आपको, अब इंटीजर दिया है मतलब इंट आपको इंटीजर दिया जाएगा गिवन इंटीजर मतलब इंटीजर दिया जाएगा गिवन इंटीजर मतलब इंट ले लीजिएगा, यहां लिखिएगा इंटर एनी नंबर स्कैनिंग का परसेंट डी एंड ए और जब प्रिंट कराइएगा तो परसेंट सी कर दीजिएगा मतलब कैरेक्टर नंबर, मतलब इंटीजर रीड करिएगा और कैरेक्टर ये कॉन्सेप्ट।
तो दोनों में से कोई प्रोग्राम बनाना हो आप बना सकते हैं, कैरेक्टर का ASCII कोड या ASCII कोड का कैरेक्टर, ये दोनों ये चीज है। कल हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस जो कैरेक्टर्स हैं।